सबको जय मसीह की। पवित्र आइकॉन क्राइस्ट पेंटोक्रेटर, जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान। और ये जो आप प्रभु यीशु मसीह का जो आइकॉन आप देख रहे हैं, और उसके विषय में मैं कुछ आप लोग को बताना चाहता हूं। कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 15 आयत इस प्रकार से लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, और यह जो चित्र है, यह जो पवित्र आइकॉन है, ये 6वीं शताब्दी में इसे बनाया गया है, और इसे पवित्र कलीसिया क्राइस्ट पेंटोक्रेटर का प्रतीक के नाम से बुलाती है, जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान। और ये जो आइकॉन है, इसमें यीशु मसीह को बहुत ही अलग प्रकार से उनके चेहरे को जानबूझकर बनाया गया है। जब आप ध्यान से देखेंगे यीशु मसीह के चेहरे को इस आइकॉन में, तो उनका जो फेस है वो दोनों तरफ का, दाहिने तरफ का और बाएं तरफ का, अलग अलग दिखेगा। और जानबूझकर इसे इसलिए ऐसा बनाया गया है क्योंकि कलीसिया विश्वास करती है यीशु मसीह की दोहरी स्वभाव को। जिस प्रकार हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह एक ही समय में पूर्ण मनुष्य हैं, और उसी समय में यीशु मसीह पूरी रीति से, संपूर्ण रीति से परमेश्वर है। और इसीलिए इस आइकॉन को आप बनाया गया, इसका अर्थ ही, इसका मतलब ही है कि यीशु मसीह का दो स्वभाव पर कलीसिया विश्वास करती है। और जब आप चर्च में जाएंगे, पवित्र कलीसियाओं में जाएंगे, तो ये आइकॉन आपको वहां देखने को मिलेगा, जिसमें इस आइकॉन का मतलब यह है कि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के दो स्वभाव पर विश्वास करती है, एक शरीर में दो स्वभाव। और ये दो स्वभाव हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों को जिलाया, जन के अंधों को देखने की शक्ति दी, गूंगों को बोलने की शक्ति दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, और तमाम प्रकार के हम आश्चर्य कर्मों को देखते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह की दिव्यता को दिखाता है, उनके परमेश्वरत्व को दिखाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यीशु मसीह को भूख लगी, वो रोए, वो दुखित हुए, वो प्रार्थना किए कि प्रभु परमेश्वर ये कटोरा मेरे से सामने से टल जाए। और यहां पर हमें उनकी मानव स्वभाव को दिखाई देता है। इसीलिए कलीसिया इस आइकॉन को अपने चर्च में इस्तेमाल करती है, विश्वासी लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो याद कर सके कि प्रभु यीशु मसीह के पास दो स्वभाव था। ये सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद। जय मसीह की।